राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित महिला संरक्षण गृह में एक 17 वर्षीय बालिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके फलस्वरूप महिला संरक्षण गृह को 48 घंटे के लिए सील करते हुए उस क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उस परिधि सीमा में किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि संरक्षण गृह में पॉजिटिव पाई गई बालिका को रेलवे अस्पताल तथा उसमें रहने वाली सभी बालिकाओं को बशारतपुर स्थित रैन बसेरा में शिफ्ट कर दिया गया है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, सैंपल हो जाए ना फिर सैंपलिंग करने के बाद शिफ्ट कर देंगे। अभी सर 2 बजे तक रहती है ना, सिर्फ 2-1 बजे तक रहती है। अच्छा, इसमें मैंने कितने कितने छोटे बच्चे हैं? 12 बच्चे। अच्छा, तो वो तो मम्मी के साथ रहेंगे वहाँ पे? वहाँ पे बड़ा हॉल है, 48 आवर्स के लिए रहना है आज। घंटाघर पे राजकीय महिला शरणालय है, वहाँ पे एक बच्ची पॉजिटिव पाई गई, तो उस बच्ची को हमने फिर रेलवे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। बाकी जितने भी 63 हमारी जो बच्चियाँ उसमें रह रही हैं, उन सबको हमने रैन बसेरे बशारतपुर में नगर निगम में शिफ्ट किया है अस्थायी तौर पर, ताकि 48 घंटे तक राजकीय महिला शरणालय को सील कराएंगे, उसमें सैनिटाइज कराएंगे और जितने भी लोग उस कॉन्टैक्ट में आए हैं उन सबका टेस्ट कराएंगे। तो सैंपल टेस्टिंग होगी, तो उन सबको हमने बशारतपुर रैन बसेरे नगर निगम में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रोबेशन अधिकारी को बता भी दिया गया, उनका स्टाफ भी लग गया है और हमने आज ये पूरी प्रक्रिया की थी। आज रात को ही उनका पॉजिटिव आया तो उस बच्ची को भी शिफ्ट कर दिया है हमने।